नमस्ते दोस्तों। दोस्तों हमने इसके पहले दो वीडियो हमने बनाकर हमने भेजी है और आपने देखी है, उसका अध्ययन किया है कि जो व्याकरण पर आधारित है। तो व्याकरण प्रकार में उस वीडियो में हमने देखा है काल पहचानने का तरीका, समानार्थी या बहुपर्यायी शब्द लिखिए, लिंग पहचानो, एकवचन, बहुवचन, यह सारा व्याकरण प्रकार हमने दो वीडियो में उसके अंदर हमने उसका अध्ययन किया है। दोस्तों आज यह वीडियो हमारी व्याकरण पर ही आधारित है, तो उसमें हम प्रकार देख रहे हैं दोस्तों, विरुद्धार्थी शब्द मतलब विलोम अर्थ वाले शब्द। तो विरुद्धार्थी का मतलब होता है दोस्तों विलोम अर्थ, विरुद्धार्थी, विलोम मतलब विरुद्ध। तुम्हें सवाल आ सकता है नीचे दिए गए शब्दों को विलोम अर्थी शब्द लिखिए अथवा विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, दोनों शब्द एक समान है, समानार्थी है, तब उसे पहचानने में गलती मत करो कि विलोम अर्थ वाले शब्द लिखे अगर कहा गया तो समझना विरुद्धार्थी शब्द पूछे गए हैं। तो अभी विरुद्धार्थी शब्द की हम परिभाषा देखने जा रहे हैं दोस्तों, कि विरुद्धार्थी शब्द का अर्थ है उल्टे अर्थात विरोधी अर्थ वाले शब्द, कि इसका उलट अर्थ का शब्द देना है। उल्टे अर्थ वाले शब्द मतलब विरोधी अर्थ वाले शब्द, जिसे कहा जाता है विरुद्धार्थी शब्द यानी कि विलोम अर्थ वाले शब्द। अब बहुत सारे उदाहरण मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों, और इसकी व्हाट्सएप पर मैं उसकी तस्वीर निकल कर आपको भेजने वाला हूं। मैंने आपको पहले ही कहा था शुरू से ही, व्याकरण शुरुआत होने से पहले ही, कि आपने अपने वर्गपाठ विभाग में आखिरी 25 पान छोड़कर व्याकरण विभाग, व्याकरण ग्रामर सेक्शन उसे अलग बनाओ, या अलग 100 पेज वही अगर तुमने तैयार की तो उस पर लिखिए व्याकरण विभाग, कि एक साथ हमें सारा व्याकरण अपने अध्ययन पर आधारित इकाई पहली पर आधारित हमें अध्ययन करने को मिल सकता है दोस्तों। तो हम यहाँ पर हमने उसकी परिभाषा देखी, विरुद्धार्थी शब्द का मतलब है उल्टे अर्थ वाले शब्द मतलब विलोम अर्थ वाले शब्द, विरुद्धार्थी वाले शब्द। अब जैसे बहुत आसान सवाल आता है दोस्तों, ये बच्चे लोग लिखना छोड़ देते हैं, हमें एक एक दो दो मार्क परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे देखो दोस्तों यहाँ पर उदाहरण दिया मैंने दिन रात, दूसरा उदाहरण है दोस्तों यहाँ पर हानि मतलब लाभ, उसके विरुद्धार्थी शब्द है। तीसरा उदाहरण है दोस्तों यहाँ पर सवाल जवाब, अगला उदाहरण उत्तर प्रश्न, जैसे आज कल, आपके समझ में आ गई होगी अभी ये तरीका कि विरुद्धार्थी शब्द जो शब्द दिया है उसका विरुद्ध हमें मालूम है वो उसे लिखना है। जैसे सवाल दिया है तो उसका विरुद्ध है जवाब, उत्तर दिया है उसका जवाब है प्रश्न। अभी यहां पर ऐसा भी आ सकता है बदल वाक्य शब्द जो है वो बदल भी सकता है, अगर यहां दिया गया कल तो आपने लिखना है आज, आज कल, कल आज, ऐसे शब्दों को हम बदल सकते हैं दोस्तों। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको भेजने वाला हूं, आप अपने वर्गपाठ के वही के अंदर उसे लिख लो। जैसे हल्का विरुद्धार्थी शब्द है भारी, यहां वहां, सच्ची झूठी, सीखना सिखाना, कि आप सीख रहे हैं मैं आपको सिखा रहा हूं, फायदा नुकसान, मुश्किल आसान, सुबह श्याम, धर्म अधर्म, सावधान असावधान, लड़की
लड़का, शीतल मतलब ठंडा, उसका विरुद्ध है उष्ण, थोड़ा बहुत, कोमल कठोर, हल्का भारी, कहना सुनना। टीचर लोग तुम्हें कहानी कहते हैं, आप बच्चे लोग कहानी सुनते हैं। सुबह शाम, पास दूर, रुचि अरुचि, रुचि का मतलब लगाओ गोड़ी, अरुचि, बुरा भला, सफल असफल, जैसे हम पास नापास कहते हैं। तो इस प्रकार यह जो सवाल पहला है दोस्तों, प्रकार पहला है, यह है विरुद्ध अर्थ वाले शब्द, यानी कि विलोम अर्थ वाले शब्द। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं दोस्तों, तो उसे अपने परीक्षा के अंदर लिखना जरूरी है। महत्वपूर्ण है सारे प्रश्न सवाल व्याकरण पर आधारित जो मैं दे रहा हूं, अच्छी तरह से उसका अध्ययन करो। अब प्रकार दूसरा हम यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, उपसर्ग। अब उपसर्ग की मैं परिभाषा आपको बता रहा हूं कि मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। जैसे परिभाषा मैं आपको पहले फिर से कह रहा हूं कि मूल शब्द जो होता है दोस्तों, वह शब्दांश को, वह शब्दों को, उसके पहले जो लगता है शब्द, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। कि जैसे अ अधिक न्याय, अब शब्द बनता है उसका अन्याय, देखो दोस्तों, तो न्याय शब्द है, उसके पहले जो शब्द आता है उसे उपसर्ग कहा जाता है दोस्तों। अ अधिक न्याय बरोबर अन्याय, यह पूरा शब्द बन गया है। वैसे बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों यहां पर, जैसे वी अधिक जय बराबर होता है विजय, यह शब्द बनता है दोस्तों। जैसे हम विरोधार्थी शब्द देखते हैं जय पराजय, जीत हार, अब इसके पहले जो शब्द लगा है उपसर्ग वी, और यहां पर दिया है जय, विजय। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ला परवाह मतलब लापरवाह, लापरवाह कि जो ला या उपसर्ग उसके लगाए कि शब्द के पहले मूल शब्द, तो अर्थात मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। और उदाहरण देखते हैं हम, आ अधिक रक्षण मतलब होता है आरक्षण, उप अधिक द्रव मतलब उपद्रव, अव अधिक गुण मतलब अवगुण, प्र अधिक यत्न बराबर प्रयत्न, उप अधिक ग्रह मतलब उपग्रह, अ अधिक ज्ञान मतलब अज्ञान, जिसे हम अज्ञान कहते हैं दोस्तों। न्य इस शब्द को जैसे हमने लिखा यहां पर ज्ञान, लिखते समय ज्ञान लिखते हैं, पर उसका उच्चारण जो है दोस्तों ज्ञान होता है, ज्ञान अज्ञान। अनु अधिक ग्रह शब्द बनता है अनुग्रह,
सु अधिक पुत्र मतलब होता है सुपुत्र, ना अधिक समाज होता है ना समाज। यह उपसर्ग है दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखे ऐसा सवाल आता है, तो हमने उसका पहला प्रकार देखा है उपसर्ग, कि जो मूल शब्द के पहले आने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है दोस्तों। अब उसका दूसरा प्रकार है दोस्तों, प्रत्यय। मैं यहां देख रहे दोस्तों, उपसर्ग हमने अभी देखा और प्रत्यय, उपसर्ग हमने देख लिया है, अभी हम देखने जा रहे हैं प्रत्यय। अब प्रत्यय की मैं परिभाषा संज्ञा आपको देना चाहता हूं दोस्तों। जैसे उपसर्ग शब्द के पहले आया है अ अधिक अन्याय, अन्याय। अब उसका विरुद्ध प्रत्यय शब्द जो है कि शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। सुनो जरा अच्छी तरह से ध्यान में लो, शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, जो हमें बाद में दिखाई देता है। जैसे पुण्य अधिक वान मतलब है पुण्यवान। देखो दोस्तों, पुण्य अधिक वान पुण्यवान, तो यह शब्द अंत में लगता है वान शब्द पुण्य, तो उसके बाद में लगता है वान, जिसे हम प्रत्यय कहते हैं पुण्यवान। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, बलिदान अधिक ई मतलब होता है दोस्तों बलिदानी, बलिदान अधिक ई मतलब बलिदानी, ई का उच्चारण हो रहा है यहां पर। सर्ग हमने पहले लगाया, अब देखने जा रहे हैं हम प्रत्यय की जो शब्द के बाद में आता है। वैसे बहुत सारे उदाहरण देखने वाले हैं, समय अधिक ईक सामयिक, दूर अधिक स्थ दुरुस्थ, विचार अधिक शील विचारशील। दुरुस्त शब्द जरा देखो अच्छी तरह से, दूर अधिक स्थ ऐसा लिखा जाता है, वो मतलब होता है यहां पर दुरुस्त, इस प्रकार दूर अधिकस्थ दूरस्थ, इस प्रकार ऐसे शब्द दिए गए दोस्तों। व्यवहार अधिक एक व्यवहारिक, विचार अधिक शील विचारशील, सात्विक अधिकता सात्विकता, रहस्य अधिक वाद रहस्यवाद, राजनीति अधिक एक राजनीतिक, साहित्य अधिक कार साहित्यकार, चतुर अधिक आई चतुराई। बाद में आते शब्द अंत में, बच्चा अधिक पन बचपन, बूढ़ा अधिक पा बुढ़ापा, रेशम अधिक ई रेशमी, ये वहां पर लुप्त है दोस्तों। भारत अधिक ईय मतलब भारतीय, दया
अधिक आलु, दयालु। इस प्रकार यह शब्द आते दोस्तों कि प्रत्यय जो है, यह प्रत्यय शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। तो इस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय, इस पर आधारित तुम्हें सवाल आते हैं दोस्तों, अच्छी तरह से अपने किताब में लिखना है, वही में लिखना है। अब अगला उदाहरण हम देखने हैं दोस्तों, अगला प्रकार, प्रकार तीसरा देखने जा रहे हैं हम दोस्तों, शब्द युग्म। शब्द युग्म, अब इसकी परिभाषा मैं आपको दे रहा हूं कि शब्द युग्म किसे कहते हैं दोस्तों, कि शब्द युग्मों के प्रयोग से भाषा रोचक बनती है। शब्द युग्मों का अगर हमने प्रयोग किया दोस्तों भाषाओं में, लिखान हो, बोली भाषा हो, तो उसमें भाषा रोचक बनती है, सुनने को भी अच्छी लगती है। जैसे अब उसका उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, अपने किताब में शब्द युग्म वाले शब्द लिखिए, शब्द युग्म वाले शब्द लिखिए, ऐसा सवाल आता है। तो किताब में बहुत सारे शब्द दिए हैं दोस्तों, जैसे कीन कीन, इसमें जो इसे शब्द युग्म कहते हैं दोस्तों, इस चिन्ह को शब्द युग्म, जो डैश दिखाई दे रही है आपको उसे शब्द युग्म कहते हैं दोस्तों। जैसे हरे भरे, हरे भरे, अब उसका उदाहरण अगर दिया हमने दोस्तों, उदाहरण अगर हमने देखा सोते जागते, सोते जागते सफर कट गया, तो दोस्तों मैंने शब्द युग्म के बारे में जो वाक्य बताया था कि शब्द युग्म के प्रयोग से भाषा रोचक बनती है। अब यह विधान मैंने आपको दिया है यहां पर दोस्तों कि सोते जागते सफर कट गया। अब यहां पर शब्द युग्म जो है, ये डैश जो आपको दिखाई दे रहा है दो शब्दों के बीच दरमियान, इसे सोते जागते ये शब्द युग्म शब्द है दोस्तों, कि सफर कट गया। अगला उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, आपको शब्द युग्म पहचानना है उसमें, शकुन रोते रोते सो गई। दोस्तों शकुन रोते रोते सो गई, तुम्हें अगर सवाल आया कि वाक्य में शब्द युग्म शब्द ढूंढिए, ढूंढकर लिखिए, अथवा शब्द युग्म शब्द पहचानिए, अब इस वाक्य में दो समान शब्द दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, कि जो है रोते रोते, ये जो शब्द है दोस्तों यह शब्द युग्म शब्द कहा गया है, खाते खाते, घूमते घूमते, आते जाते, उठे बैठते, ऐसे बहुत सारे शब्द है, पर अपने किताबों के अंदर, चाहे पाठ्य किताब में अपना लेसन हो, धड़ा हो, गद्यपाठ हो या कविता हो, वहां पर ऐसे जो शब्द दिए जाते हैं दोस्तों उसे शब्द युग्म
शब्द कहा जाता है। अब इसके उदाहरण हम देखने जा रहे थे, हमने देखा किन किन, हरे भरे, कहां कहां, लाखों लाख। अब हमारे पाठ में शब्द आया दोस्तों लाखों लाख, जो पिता ने राजा ने गेहूं के दाने दिए थे दोस्तों कहानियों में, लाखों लाख गेहूं के दाने में बदल गए। वारिस को ने जो गद्यपाट देखा है दोस्तों हमने, तो लाखों लाख ये शब्द जो है दोस्तों, ये शब्द है शब्द युग्म। तो ऐसे किताबों के अंदर गद्यपाठ में भी आता है और कविता में भी आता है दोस्तों। दाल चावल, ये दाल चावल ये भी शब्द हमें पाठ में आया है दोस्तों, कि जो मेरे राजा साहब इसके अंदर जो उन्हें बहुत पसंद थी दाल चावल, शब्द युग्म शब्द। तो आप ऐसे किताबों में ही पढ़कर गद्यपाठ का अध्ययन भी करो और जो शब्द युग्म शब्द आए हैं उस पर निशान करते रहो और वो अपने वर्कपाठ में लिखो। मैं तो आपको देने ही वाला हूँ, पर आपका अध्ययन भी होगा, पाठ पढ़ाई भी होगी और ये अपना काम भी होगा ढूंढने का शब्द युग्म शब्द। तो देखो अंग्रेजी फ्रेंच वही किताब में तो आपको मिलेगा पाठ के अंदर, शेर गजल, रोटी आलू, कहते कहते, ठीक ठाक, धक धक। तो ये वो शब्द और भाषा रोचक बनने के लिए जो हम वाक्य देखते हैं दोस्तों, ऐसे वाक्य हमने यहाँ पर देखना चाहिए कि जो रोचक बनती है। देखो शब्द युग्म प्रयोग के द्वारा रोचक भाषा बनती है कैसे। डाल पर एक रंग बिरंगी चिड़िया बैठी थी, रंग बिरंगी ये जो शब्द है यह शब्द युग्म शब्द कहा जाता है दोस्तों। किताब परीक्षा के अंदर लिखते समय उसके नीचे अंडरलाइन करना है, बीच में डैश देना, रंग बिरंगी। दूसरा उदाहरण है उनकी कथनी करने में अंतर नहीं था, कहना और करना, कथनी डैश करनी ये शब्द युग्म शब्द है दोस्तों। हमारा समाज, अगला उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, हमारा समाज रीति रिवाजों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, हमारा समाज रीति रिवाजों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। रीति रिवाजों ये जो शब्द है दोस्तों ये शब्द युग्म है। यहां लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, यहां लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, आना जाना शब्द युग्म शब्द है। उसे पढ़ने लिखने से फुर्सत ही नहीं मिलती, अगला विधान है दोस्तों, उसे पढ़ने लिखने से फुर्सत ही नहीं मिलती, पढ़ने लिखने से शब्द युग्म शब्द है। तो दोस्तों शब्द युग्म शब्द का प्रयोग करने से भाषा रोचक बनती है। तो इस प्रकार हमने जो प्रकार देखे दोस्तों, यहां पर हमने पहला प्रकार देखा था विरुद्धार्थी वाले शब्द यानी कि विलोम अर्थ वाले शब्द, दूसरा है उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए कि उपसर्ग जो शब्द के पहले आते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में आते हैं, शब्दों के बाद में आते हैं। और तीसरा प्रकार हमने देखा शब्द युग्म शब्द लिखिए। तो इस प्रकार के शब्द जो मैं आपको व्हाट्सएप पर आपको देने वाला हूँ ये अपने व्याकरण विभाग के अंदर अच्छी तरह से व्याकरण सेक्शन बनाकर उसके अंदर लिखना है दोस्तों, ताकि स्कूल शुरू होने के बाद हम उसे अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अगली वीडियो में व्याकरण के अगले प्रकार पर आपको देने वाला हूँ और उसी प्रकार उसका भी सारा लिखा लिखे काम जो है दोस्तों
वह भी आपको मैं व्हाट्सएप पर भेजने वाला हूँ। आप अच्छी तरह से अध्ययन करो, गौर से उसकी पढ़ाई करो, किताब सामने रखो। तो यहाँ मैं अपना अध्ययन पढ़ाई का काम मैं रुकता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।